Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mehmu aapke sath aap teacher miss Aisha, and we are going to study our Camry Scholar Series Science Grade 4. And today we are going to start our lesson number 9 from your unit number 1. And your unit name is Characteristics and Life Processes of Living Organisms. The SLO we are going to address today is to recognize and appreciate diversity in life. Both in case of plants and animals, and we will identify the ways to protect biodiversity. Aapke lesson number 9 mein, we will focus on this part of SLO to recognize and appreciate diversity in life. Or living organism or life may exist, hai? plants or animals. So we will go through the uh, phenomena or the cases how much diversified plants and animals are present around the world. कुरान में अल आराफ में बयान होता है क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन की बादशाहत में जो चीज़ें खुदा ने पैदा की हैं उन पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से दुनिया में नवाज़ा हमारी ज़रूरिया के लिए और हमारी जो भी उनसे हम ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं और बेशुमार पौधे और जानवर बनाए और हमने देखना है कि कितनी ज़्यादा वाइड वराइटी एनिमल्स और प्लांट्स की हमारी दुनिया में पाई जाती है सो लेटेस्ट रिफ्रेश आर नॉलेज फ्रॉम योर प्रीवियस ग्रेड्स ग्रेड वन में हम पिछले लेसन में भी रिवाइज कर चुके हैं डेट यू हैव स्टडीड अबाउट मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस ऑल्सो आपने ये भी पढ़ा देर आर वाइड वराइटी ऑफ एनिमल्स एग्जिस्टिंग अराउंड अस ग्रेड टू में आपने पढ़ा प्लांट्स की वाइड वरायटी में उनको हम कैटेगराइज करते हैं फ्लारिंग एंड नॉन फ्लारिंग प्लांट्स ऑल्सो यू हैव स्टडीड दैट देर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स और हर डिफरेंट एनिमल को हम उसके किसी खास स्पेसिफिक करेक्टर की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड टू डिफ्रेंशिएट इट विथ अदर काइंड ऑफ़ एनिमल्स ग्रेड थ्री में आपने पढ़ा अगेन कि देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स और जितनी वैरायटी के हैबिटेट्स हैं हमारे पास एट गेट हर डिफरेंट हैबिटेट में डिफ़रेंट काइंड ऑफ लाइफ आपको नज़र आएगी दीज आर द डिफ्रेंट काइंड ऑफ हैबिटाइट्स आपने ग्रेड थ्री में पढ़ा और हर हैबिटेट में उसकी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइफ मौजूद है उसमें एनिमल्स या प्लांट उस हैबिटेट के साथ कंसर्नड है कि जिस तरह का हैबिटेट है वो एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं किसी अलग हैबिटेट में या प्लेस ऑफ लिविंग में आपको डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स नजर आएंगे सो दिस इज़ बट ऑल कोल्ड वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रेड फोर में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म एंड वट इज़ लाइफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ऑर्गेनिज़म्स और लिविंग में हमने दो ग्रुप्स कौन से पढ़े प्लांट्स और एनिमल्स क्लियर सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर एस एल ओ रिगार्डिंग डायवर्सिटी ऑफ लाइफ लेट एस कंडक्ट एन एक्टिविटी टीचर्स आप स्टूडेंट्स को uh, कहें टू थिंक अबाउट एनी पर्सनैलिटी ऑफ दे कैन थिंक अबाउट देयर फ्रेंड आप अपने फ्रेंड को सोच सकते हैं कोई कजन स्टूडेंट टीचर कोई भी पर्सनैलिटी उसके बारे में सोचें और उसके करेक्टर्स लिखें इस तरह से नोट्स आप बनवा सकते हैं छोटे छुट छोटे उनको पेपर्स पे थ्री फोर फाइव जितने भी पॉइंट्स वो लिख सकें उस पर्सनैलिटी के बारे में जो उन्होंने सोचा उसकी अपेयरेंस उसकी नेचर उसकी लाइकिंग्स लाइक जो भी उनके जहन में सोच आती है उस पर्सन को सोच के और उनसे भी डिस्कस करें कि हर स्टूडेंट ने जो पर्सनस के बारे में लिखा है उसमें आपको वाइड वेराइटीज़ अमंग देयर बिहेवियर्स देखेंगे आपके डिफरेंट नेचर्स हैं सबकी डिफरेंट च्वाइज हैं डिफरेंट तरह की अपरेंट लुक है तो इट मीन्स के देयर इज़ वेरिएशन अमंग वी ह्यूमन बींगस ऑल्सो कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं इंसान हैं लेकिन हर इंसान एक दूसरे से मुख्तफ है सो दिस इज़ वाट कॉल्ड डाइवर्सिटी और वेरिएशन एंड दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आर लेसन टूडे सो लेटर स्टार्ट वट इज़ डाइवर्सिटी इन लाइफ एंड अगेन आई विल रिकॉल यू वट इज़ लाइफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास हैं प्लांट्स और एनिमल्स साइंटिस्ट को क्यों ज़रूरत पड़ती है एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए हम पहले अपने लेसन्स में बहुत बार पढ़ चुके क्योंकि एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है हमारे इर्द गिर्द दुनिया में और बहुत सब एक दूसरे मुख्तफ हैं और उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है ताकि एक ग्रुप के मेम्बर्स ग्रुप में से हम किसी एक मेंबर को उठाकर उसकी करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके वी कैन रिलेटेड विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स सेम इज द केस विद प्लांट्स सो व्हाट डू यू थिंक क्या दुनिया में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनमें लिविंग लाइफ एग्जिस्ट करती है नो देर आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ न्यू टर्म इंट्रोड्यूस टू यू थ्रू योर दिस बुक नो वट इज़ द टर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन सिंपल द टर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन माइक्रो मीन स्मॉल बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्पेसिफिकली दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ अ टर्म यूज फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वाट कोल्ड माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें देखने में नज़र नहीं आते हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और उसके नीचे हम डिफरेंट तरह के प्रोसेसिस को पास ऑन करके वी आर एबल टू लुक अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग अराउंड अस एवरीवेर एवरी काइंड ऑफ हैबिटेड आपके इंटरेस्ट के लिए ऑल्सो देर इज अ नॉलेज एक सिंगल स्पीशीज जो है स्पीशीज क्या है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा क्लासिफिकेशन का जब भी आप एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं हमने क्लासिफिकेशन की पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म देन एनिमल्स एंड प्लांट्स फिर हमने एनिमल्स में फर्दर क्लासिफिकेशन अब तक की और हमने प्लांट्स में भी देखा फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग प्लांट देर्दर क्लास दीज आर द्रुप ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेजम्स और सबसे छोटा जो आपका डिवीजन है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे छोटा यूनिट क्या है दैट इज स्पीशीज विच कैन विच आर ऑल वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है बेसिक करेक्टर्स की बेस पे This is what called species. So let us have look about diversity. Look at this. All of these animals are different from each other, and this is what the variations or diversity in life. I mean, these are the different kinds of plants, birds. There are thirty-eight different kinds of cats or species. Now, cat is an animal. Tiger, lion. And there are many different kinds of cats. The cat, jo cat ki family se belong to the cat main group. There are many cats. You have 38 different kinds. different uh, have ki cats aapko like this. These are the different names. Line is also a kind of cat. White tiger, jogger, tiger. These are all different kinds of cats. And there are 38 species of cat around the world. And each single species have many breeds in it. दिज आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ कैट्स लाइक दिस इज सिंपल कैट विच कॉमनली वी कैन सी अराउंड डस्ट एंड लू गैट दिस हाउ मेनी डिफरेंट ब्रीड्स आर हेयर ब्रीड्स मीन डिफरेंट उसके टाइप्स जो ब्रीडिंग के बाद हमें मिलती हैं दिस इज अन अदर काइंड ऑफ कैट्स पोज यू कैन से और इसकी भी अलग से बहुत सारी ब्रीड्स हमें मिल सकती हैं और मिलेंगी ओल्सो अगर हम प्लांट्स को देखें जैसमिन इज अ कॉमन नेम ऑफ अ प्लान्ट एंड वी आर हैविंग टू हंड्रेड डिफरेंट स्पीशीज़ और काइंड ऑफ जैसमिन ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में डिफरेंट जगहों पे आपको एरियाज़ के हिसाब से एक ही स्पीशीज़ के डिफरेंट तरह के शक्लें नज़र आएंगी जिस तरह के वो हैबिटेट है में रह रही हैं वो प्लांट वही है लेकिन आपको वो थोड़े थोड़े वेरिएशन फ़ीचर्स में नज़र आएंगे बिकॉज द प्लेस दे आर लिविंग इन सो दिस इज़ ऑल वर्ट कॉल्ड डाइवर्सिटी और वेरिएशन अमंग द लाइफ फॉर्म और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस ह्यूज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम के आपका चाहे एक ग्रुप ऑफ एनिमल है या एक ग्रुप ऑफ प्लांट है उसके बावजूद उसकी भी हमें बहुत सारी डिफरेंट ब्रीड्स नज़र आती हैं अराउंड द वर्ल्ड इसकी वजह से हमारी दुनिया में क्या हमें नजर आती है डाइवर्सिटी द टॉपिक केम जो हम आज ऐसे लोग कवर कर रहे हैं दैट इज़ व डाइवर्सिटी इन लाइफ सो डाइवर्सिटी क्या है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट ब्रीड्स डिफरेंट स्पीसीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी आर हेयर अ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग लाइफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड सो बायोडाइवर्सिटी क्या है बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी अगेन वेरिएशन लिविंग लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी वेरिएशन पाई जाती है और उस वेरिएशन को विच इज लिविंग बेस्ड विच इज दिस इज वॉट कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी सिंपल दैट टर्म मीन्स बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन वेरिएशन इन लाइफ फॉर्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बहुत खास है हमारे लिए क्योंकि इट् सस्टेन और मेनटेन द लाइफ ऑन अर्थ ये लाइफ को दुनिया में या ज़मीन पर किस तरह से प्रोमोट करती है सपोर्ट करती है दिस इज़ वट वी विल लर्न इन दिस इन दिस लाइन्स द रीज़न इज़ दैट क्या वजह है कि बायोडावर्सिटी इम्पोर्टेंट है इट परफॉर्म्स क्योंकि जो जितनी ज़्यादा बायोडावर्सिटी है उसमें हर स्पीशीज़ जो है दैट परफॉर्म्स आ स्पेसिफ़िक रोल हर अलग स्पीशीज़ का अगर हम कोई भी एक एनिमल लें कोई भी एक प्लांट लें वो हर एनिमल हर प्लांट या माइक्रो आर्गनिज़म्स हमने पढ़ा हर कोई एक दूसरे से लिंक्ड है या आपके एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की जिसकी वजह से लाइफ प्रमोट होती है और कंटिन्यूअ सपोर्ट रहती है लाइफ को एंड व्हाट इज़ दैट स्पीशीज़ क्या करती है या ये बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा वेरिएशन हमारे इर्ट गिद लाइफ फॉर्म में मौजूद है इट कंज्यूम्स एंड स्टोर्स एनर्जी लिविंग ऑफ़ कोर्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग ऑन देयर टास्क और वो एनर्जी लेते भी हैं और एनर्जी स्टोर भी करते हैं फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिजम विच इज डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर रिक्वायरमेंट लाइक फूड रिक्वायरमेंट ऑल्सो मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन इट फॉर फूड फॉर शेल्टर एंड मैनी अदर रिक्वायरमेंट लाइक एक्सटिंक्शन ऑफ ईच सिंपल स्पीसीज नॉट द टर्म केम एक्सटिंक्शन एक्सटिंशन क्या है एक्सटिट हो जाना किसी भी एनिमल या प्लांट या लिविंग स्पीशीज़ का लाइक like दुनिया से ख़त्म हो जाना आपने टर्म सुनी होगी इन वो तमाम एनिमल्स या प्लांट्स जिनको ख़तरा है दुनिया से ख़त्म हो जाने का वी शुड हैव टू सेव देयर लाइफ एंड एक्सटेंशन मीन विच आर नाउ नो मोर इन एग्जिस्टेंस अराउंड द वर्ल्ड जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते अगर कोई एक स्पीशीज़ पूरे आपके इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाती है या डिस्टर्ब होती है उसकी इन स्टेज आ गई है वी शूड भी वेरी केयरफुल बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब द होल इको सिस्टम बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी डिफरेंट लाइफ रिक्वायरमेंट्स जिसमें हमने बड़ा फूड रिक्वायरमेंट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट शेल्टर के लिए उन ऑर्गेनिजम पर डिपेंड करते हैं दे ऑल विल गेट डिस्टर्ब एंड द होल इको सिस्टम विल भी डिस्टर्ब सो ईच सिंगल स्पीशीज या उसकी एक्सटेंशन एक्सटिंक्शन विल डिस्टर्ब द होल फूड चेन नाउ अगेन द टर्म कम केम वट इज़ फूड चेन चेन इज सिंपली अस्ट्रेट लाइन डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन वन एन अदर लुक एट दिस दिस इज ग्रास हमने पहले अपने लेसेंस में पढ़ा ओनली द प्लाट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड ऑन अर्थ पूरी दुनिया में सबसे बेसिक यूनिट क्या है प्लांट्स अगर प्लांट्स फूड नहीं प्रोड्यूस करेंगे एनिमल्स जो उन पर डिपेंड करते हैं वो फूड नहीं लेंगे दे विल नॉट ग्रो और वो एनिमल्स जो उन एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट द होल चेन विल बी डिस्टर्ब सो दिस इज बट द फूड चेन जिसके थ्रू एनर्जी और फूड ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अदर ग्रास पे जो एनिमल्स पोस्ट डिपेंड करें यू कैन से ग्रास ऑपर इज डिपेंडिंग और ईटिंग और गेटिंग इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम ग्रास ब्लू बर्ड किसको खा रही है ग्रास ऑपर को एंड देन ब्लू बर्ड इज़ इन और ईटन बाय स्नेक एंड स्नैक इज़ इन रिटर्न रिटन बाई आउट सो दिस इज़ द फूड चेन एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम इज डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस वन फॉर इट्स फूड और एनर्जी रिक्वायरमेंट हर दूसरा ऑर्गेनिज्म पिछले ऑर्गेनिजम पर डिपेंड करे और अगर वो कोई एक ऑर्गेनिज्म बीच में से मिसिंग है अगर कोई ऑप्शन उस एनिमल के पास नहीं है तो इसकी फूड रिक्वायरमेंट डिस्टर्ब होगी जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा तो ऑफकोर्स इट विल गेट टू

वो पूरा इन्वायरमेंटल सिस्टम जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे और नॉन लिविंग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या है लाइक इन अ हैबिटेट क्या प्लेस ऑफ लिविंग अगेन एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू दिस टर्म मेनी टाइम्स इन द प्रीवियस लेसन्स हैबिटेड कोई भी एक जगह जहाँ पे प्लांट यूज़ कर रहा है वॉटर सॉइल एंड लाइट दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाई द प्लांट्स फॉर देअ फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट ने इन चीज़ों को यूज़ करके नाउ दीज थ्री थिंग्स आर वाट नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट अगर एन्वायरमेंट में वाटर सनलाइट और सॉइल uh, मौजूद है तो प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स फूड प्लांट अपना फूड बना सकेगा सिमिलरली एनिमल्स वो प्लांट यूज करेंगे वो प्लांट नॉन लिविंग फैक्टर्स को यूज़ करेगा अपना फूड बनाने के लिए ग्रो करेगा और कोई एनिमल्स उन प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे फॉर देअर फूड रिक्वायरमेंट एंड दे ऑल्सो सीक शेल्टर और कुछ एनिमल्स उसी प्लांट से शेल्टर मीन्स अगेन आ प्लेस जहाँ पर कोई भी एनिमल रह सकता है रहता है उस प्लांट से वो शेल्टर लेंगे एंड प्लाट्स नीड एनिमल्स टू और प्लान्टो क्या फ़ायदा हो रहा है उन एनिमल्स की वजह से हमने पढ़ा कुछ प्लांट्स में स्पोर्ट्स होते हैं दे हैव टू स्प्रेड अराउंड जिन प्लांट्स में सीड्स मौजूद हैं सीड्स को हम ग्रो करवा सकते हैं इन टू तो एन अदर प्लांट लेकिन जिन प्लांट्स में स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्ट्स को स्प्रेड करना है for the continuation of the generation of these plants, so these animals get touch with that spores, or in animals ke body parts pe wo spores powder form ke jo spores हैं wo touch karenge and these animals will move around different places और वहाँ पे जाके वो spores उनके bodies होते के वहीं पे plant grow करने का bias बनते हैं, so plant को क्या फायदा हो रहा है उस animal से के वो animal उसके seed dispersal में या spores dispersal में help कर रहा है अगेन ह्यूमन्स का क्या फ़ायदा इन रिटर्न ह्यूमन नीड्स ह्यूमन्स को प्लांट भी चाहिए और एनिमल्स भी फॉर डिफरेंट ऑफ देअ लाइफ नीड्स लाइक फॉर फूड फॉर क्लोथ्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन परपजेज एंड दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स अब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हमने क्या देखी प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन्स दीज ऑल आर इंटरलिंक विद ईच अदर एंड देन नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें लाइट सॉइल एंड वाटर था तो ये सब चीजें लाइफ फॉर्म्स प्लस नॉन लिविंग फैक्टर्स टुगेदर मेक एन इको सिस्टम किसी भी जगह का वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑन ईच अदर फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स सो ऑल सच इंटरेक्शन मेक अप एन इको सिस्टम दिस इज वट द टर्म कंसर्न नाउ जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स में दुनिया में पाई जाएगी प्लांट्स और एनिमल्स किसका बाइस बनते हैं आर द रिजर्व और स्टोरेज फॉर और एक्ट एस और हम उनसे मटेरियल ले सकते हैं फॉर आर इंडस्ट्रियल नीड्स और इंडस्ट्री में हमको क्या कुछ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वी हैव मेडिसिन इंडस्ट्री वी कैन मेक कॉस्मेटिक्स वी कैन मेक परफ्यूमरी रेजिन्स सम एंडहेसिवस और पॉलिशिंग मटीरियल्स वी कैन गेट कैमिकल्स वी कैन गेट फाइबर्स एंड मैनी अदर मटीरियल्स एंड फ्राम वेयर वी आर गेटिंग दीज मटीरियल्स फ्राम एनिमल एंड प्लान्स रिजर्वाइज जितने भी एनिमल्स और प्लान्ट दुनिया में पाए जाते हैं उनसे हम डिफरेंट तरह की मेडिसिन बना सकते हैं डिफरेंट तरह की कॉस्मेटिक्स परफ्यूम्स रेजिस्ड अदर मैनी अदर प्रोडक्ट्स हम उनसे हासिल कर सकते हैं सो दीज टू लिविंग फॉर्म्स आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अरस एज वेल एज वेल एज ऑल्सो वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज लाइफ फॉर्म्स फॉर आर फूड और फूड में हमारे पास क्या आ जाता है वी कैन गेट फिशरीज वी हैव फॉरेस्ट विद वाइड वरायटी ऑफ प्लांट्स वी हैव लाइफ स्टॉक एंड मेनी अदर मटीरियल्स और प्रोडक्ट्स हेंस बायोडाइवर्सिटी नाउ वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस है टू क्रिएट और डिवेलप एन इको सिस्टम ऑल्सो वी कैन गेट सो मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एंड दीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनका फ़ायदा क्या है हम इनसे फ़ायदा भी ले रहे हैं प्लस दे कैन रेज ए आर इकोनॉमी हमारी मुशियात और जो इनकम सोर्सेज हैं या इनकम रिटर्नस हैं मुल्क को ये जितने ज़्यादा रिज़र्वर और वेरिएशन्स मौजूद हैं दुनिया में लिविंग फॉम्स की उनसे प्रोडक्ट्स बना के इंडस्ट्रीज फ़ायदा ले कर आपकी इकोनॉमी को रेज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं

डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स पकड़ा सकते हैं लाइक दीज एनिमल्स दीज आर डिफरेंट आप इस तरह से कार्ड्स कटआउट्स ले कर उन डिफरेंट uh, ग्रुप्स में आपके इट डिपेंड्स ऑन ऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास कि आपने uh, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन सबकी ग्रुपिंग कर लें और हर ग्रुप को एज एन एनिमल आप uh, पहचान दे सकते हैं कोई एक है एनिमल ग्रुप बन जाए लाइक अ ग्रुप नेम बियर आप उनसे कहें कि इन एनिमल्स और प्लांट्स के नेम्स को आइडेंटिफाई करें एंड देन राइट अबाउट द बेसिक फीचर्स लाइक अगर कोई एक ग्रुप स्टूडेंट्स का इस परफॉर्मिंग एज अ दिस जराफ एनिमल दे हैव टू आइडेंटिफाई दिस एनिमल ऑल्सो हैव टू राइट द बेसिक और अपरेंट फीचर्स ऑफ दिस एनिमल अगेन एन अदर ग्रुप कैन बी दिस प्लांट किसी ग्रुप को आप इस तरह से डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स या प्ले उनको कट आउट्स दे के उनको कहें कि अपने अपने ग्रुप के नाम आइडेंटिफाई करें बाई लुकिंग एट द पिक्चर्स गिवन इन द कट आउट फॉर्म्स एंड दे राइट अबाउट द फीचर्स सो दिस विल वॉट हेल्प देयर कन्सेप्ट क्लियर अबाउट बायोडावर्सिटी कि जितने ज़्यादा वो ग्रुप मेंबर्स ग्रुप्स हैं डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के उतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है एनिमल्स और प्लांट्स में अमंग द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एंड इट विल मेक देयर कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट बायो ऑन अर्थ Also, in your book, you are given with homework on page number 23, question number 6 from part B. You have to write its answer briefly. Up simply now what is meant by biodiversity. And worksheet is available. It is very interesting to follow this worksheet. So, kindly, students revise the lesson and follow the worksheet to make your concept clear about biodiversity. एंड इन द नेक्स्ट लेसन हम इसी एस एलोग को कंटिन्यू करेंगे बट वी विल फोकस ऑन हमने अभी पढ़ा बायोडावर्सिटी क्या है कितनी ज़्यादा लिविंग फॉर्म्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनके फ़ायदे क्या हैं अब हमने देखना यह है कि हम उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हाउ कैन वी प्रोटेक्ट सॉरी वेस्ट टू प्रोटेक्ट द बायोडावर्सिटी हम बायोडावर्सिटी को किस तरह से सेव कर सकते हैं फॉर आर फ्यूचर यूज़ एंड फॉर आर नेक्स्ट जनरेशन एंड आर बेनि सॉरी बेनिफिट्स till then uh, for the next lesson wish you have a very great time ahead revise the lesson very carefully and thank you so much allah hafiz